कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। गोविंदपुरा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर जी लगातार जनसंपर्क में हैं और उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कहीं पर उनका तुलादान हो रहा है तो कहीं फूलों से स्वागत हो रहा है। कैसा समर्थन मिल रहा है उनका जनसंपर्क के दौरान, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भी वो कमल खिलाएगी और अपने मन को 17 तारीख को मत में बदलेगी। नारी सम्मान जो लाडली बहना योजना चालू हुई है, उससे कितना फायदा मिल रहा है? गेम चेंजर साबित हुई है हमारे लिए। निश्चित रूप से लाडली बहनाएं सरकार बनाएंगी जी। तो क्षेत्र में कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है, क्या कहेंगी? सब सारा विरोध जो है वो प्रायोजित है। चुनाव जब आते हैं तभी ऐसा विरोध देखने को मिलता है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है जनता को उकसाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और प्रायोजित तरीके से उसको विरोध कराया जाता है। जनता के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो विरोधी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कभी सड़कों को लेकर विरोध कर रहे हैं तो कभी नाली सड़क और कहीं कहीं जहाँ भी जा रहे हैं वो कचरा सब चीज़ें बता रहे हैं। क्या एक व्यापारी व्यापार करने आया है, उसको सेवा से कोई लेना देना नहीं। 2 महीने पहले आया है चुनाव लड़ने के लिए, उस सेवा करने का मूल भाव उसके मन में होता तो 5 साल सेवा करता, लेकिन 2 महीने पहले आके चुनाव लड़ना है। बाहरी व्यक्ति है, चौक से सिटी से आया हुआ है, यहाँ कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जी। तो ये थी हमारे साथ कृष्णा गौर, जिनका कहना है कि एक व्यापारी व्यक्ति है, बाहर से आया है, उसे यहाँ की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक बार फिर भाजपा को सरकार भाजपा को आशीर्वाद देगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।